करता हूं, मैंने टेलीफोन लाइन पर अभी संजय सिंह जी को जोड़ लिया है, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, यही हैं वो जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बितंडा फैलाया उत्तर प्रदेश में। संजय जी स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि आप चाणक्य विचार सम्मेलन करना चाहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जातिवादी राजनीति शुरू करना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर फर्जी ढंग से किया जाएगा जिसके विरुद्ध एक भी FIR नहीं था, तो उसका नाम बदल के मैं प्रभात यादव नहीं कर सकता। अगर खुशी दुबे को 3 दिन पहले की विवाहिता को जेल में सड़ाया जाएगा, रेखा अग्नोत्री जो विकास दुबे के यहाँ नौकरानी थी उसको बच्चे के सहित 1 साल से जेल में रखा जाएगा, अमर दुबे की माँ को 1 साल से जेल में रखा जाएगा, हीरो दुबे की माँ को जेल में रखा जाएगा, 4-4 ब्राह्मण परिवार की महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में सड़ाया जा रहा है, तो मैं उनका नाम नहीं बता पर सकता। आप तो आए थे उत्तर प्रदेश में राजनीति को बदलने और आपको सिर्फ ब्राह्मण समाज पे ही। मुझे अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इंद्रकांत त्रिपाठी अगर एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री से गिड़गिड़ा के वीडियो बना रहे हैं कि मुझे अपने SSP से बचा लीजिए, वो मेरी हत्या करा सकते हैं, और उनकी हत्या हो जाती है, तो ये मुद्दा है, ये मुद्दा उठना चाहिए। अगर निवेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हो जाती है और उनको न्याय नहीं मिलता, तो ये मुद्दा है। उनके बेटे को अनशन पे बैठना पड़ता है, ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। मैंने जयप्रकाश पाल के भी हत्या का मुद्दा उठाया, मैंने संजीत यादव की हत्या का मुद्दा उठाया। में राजनीति बदलने आए थे, लोगों को विकास के नए नए ख्वाब दिखा रहे थे संजय जी, जला दिया गया, वो मुद्दा भी उठाया। संजय जी आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलने आए थे, आप देखिए मेरा सवाल तक नहीं लेना चाहते, 2 बजे जला दिया, आप मेरा सवाल तक नहीं लेना चाहते, भी गया था, आप मेरा सवाल तक नहीं लेना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ आप तो उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं कि मैं टाइटल बदल दूं लोगों का, नहीं अगर मैं जाति विशेष के साथ उत्पीड़न की तमाम घटनाएं हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर की घटनाएं हो रही हैं, उनके परिवार की महिलाओं को जेल में सड़ाया जा रहा है, तो ये मुद्दा तो आप तैयार रहिए। अभी कितने 14-15 या 16 मुकदमे हैं, कुछ और मुकदमे होंगे अगर आप जातिवादी बात करेंगे तो। अच्छी बात है, 16 जातिवादी मुझे आप कैसे कह रहे हैं? क्यों नहीं, मैंने तो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये ब्राह्मणों की जातिवाद का बितंडा आपने फैलाया संजय जी, मेरा स्पष्ट आरोप है आपके ऊपर कि ये उत्तर प्रदेश में जातिवाद ब्राह्मणों का आपने फैलाया है और आप पर मुकदमा है इस बात का। ब्रजेश जी मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के एक नेता का नाम बताइए जो अपने जाति के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता हो। मैंने कहा कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, एक नेता का नाम बताइए। आप ही ने STF के बारे में अनाप शनाप बोला, आपने कहा स्पेशल ठाकुर फोर्स, आप ब्राह्मणों के उत्पीड़न के मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं। राजनीति के अंदर होना चाहिए, अपने जाति के खिलाफ भी जाकर सच बोलने का साहस होना चाहिए। तो आप तो बदलने आए थे ना यूपी, आप तो यूपी बदलने आए थे ना, नाम बताइए, आप यूपी बदलने आए थे ना, और आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे थे। बात कर रहा है, स्कूल भी देखने गया, वहां भी गिरफ्तार कर लिया गया, 16-16 मुकदमे लगाए, पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। आप चाणक्य जैसे महापुरुष के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं संजय जी। नहीं, चाणक्य को आप जाति से कैसे जोड़ रहे हैं? चाणक्य ने क्या अपने जाति के ब्राह्मण व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान का सम्राट बनाया था? आप बताइए ना मुझे, चाणक्य ने क्या अपने जाति के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को हिंदुस्तान का सम्राट बनाया था? उसकी लड़ाई लड़ी क्या चाणक्य ने? आप विकास सम्मेलन करो, बिजली सम्मेलन करो, ऑक्सीजन सम्मेलन करो, ये